भाईजान जी, लकड़ी के गड्ढे यहाँ तक ले आए थे, मेरे काम में आसानी कर दिया, लेकिन यहाँ से ऊपर छत पर मैंने लेके जाने हैं, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो टोटल जी 7 से 8 गड्ढे हैं, मुश्किल नहीं है इतना, थोड़े भारी हैं लेकिन करना तो पड़ेगा। तो अभी जी उठाते हैं अल्लाह का नाम लेकर और छत पर रखते हैं जी। हमारे पास जी माशाल्लाह जगह है, ये 2-3 गड्ढे पहले से ही थे, तो अभी जो रह रहे हैं वो यहीं पे हमने इकट्ठे करने हैं। शाम जी हो चुकी है और काम जी जल्दी ख़त्म करना है, और फिर मुझे माल मवेशी का काम भी करना पड़ता है, जैसे आपने मेरे व्लॉग्स देखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम फाइनल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ख़त्म कर दिया है। बहुत दिनों से मुझे भाईजान और अम्मी जान कह रही थी कि ये काम कर लो, लेकिन मैं अपनी सुस्ती की वजह से लेट ही कर रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी काम फाइनल हो गया। काम करने के बाद जी फौरन जो चीज़ आपको चाहिए हो वो मिल जाए तो भाई साहब मज़ा आ जाता है। वैसे तो चाय पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी चाय नहीं थी तो कहवा चलेगा। मैंने अक्सर व्लॉग में आपको बताया होगा कि मैं जब भी छत पर आता हूँ तो मेरे साथ जो मेरी गुड़िया होती है वो ये होती है। कितनी प्यारी लग रही है, कितने प्यारे लग रहे हो आप के नखरे देखें जी हमारे। माशाल्लाह जी खेत देखें, सही तरह से सरसब्ज नज़र आ रहे हैं जी, ग्रीन ग्रीन हो गए हमें। मगरब का टाइम हो चुका है, माशाल्लाह आप देख सकते हो आसमान कैसे बादलों से घिर चुका है, और धुंध भी पहाड़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता पड़ना शुरू हो गई हुई है। अभी तक जी मैंने इंटरव्यू नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। सुबह हो चुकी है जी, गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी जी मैं अम्मी जान जा रहे हैं जी सातवार विलेज, वहाँ पे कुछ दिन पहले फोतगी हो गई थी, अम्मी जान नहीं जा पाई थी, जिस घर में फोतगी हुई है, तो अभी मैं और अम्मी जान वहीं जा रहे हैं। ये टाइम जी बच्चों की छुट्टी का होता है, अभी टाइम जी 2:15 हो रहे हैं, तो इस टाइम में बच्चों को स्कूल से घर लाया करता था। तो अभी जी छुट्टियाँ हैं, तो नए साल में हमारे बच्चों का स्कूल स्टार्ट होगा, फिर इंशाल्लाह हमारे बच्चे फिर जाना शुरू कर देंगे। और भाईजान की कॉल आ चुकी है, मैं भी दुकान पर जा रहा हूँ, और हमारा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा उम्रे का, और क्या कुछ हो चुका है, और एवरीथिंग ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभी टिकट का कंफर्म नहीं हो रहा कि किस डेट को हैं, वैसे पहले हफ्ते में ही होंगे, लेकिन डेट का पता नहीं है, 1 से लेकर 7 तक कोई भी डेट हो सकती है। जो भी डेट होगी मैं आपको आगे जो है उसके बारे में डिटेल बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल यही है कि हमने पहले महीने के पहले हफ्ते में ही जाना है। सड़क के कुछ ऐसे हालात हैं जी, यहाँ तक सड़क हमारी पक्की है, बल्कि यहाँ से शुरू होती है नेक्स्ट विलेज तक पक्की है, लेकिन इधर आगे बहुत ही बुरे हालात हैं जी बाज़ार की तरफ, और ये पता नहीं कब बनेगी। बाजियाँ जी लगी हुई हैं, बच्चों ने पतंग उड़ाए हुए हैं जी, अभी ये कोशिश कर रहा है छोटा, ये देखें जी, और 2 के पतंग जी अच्छे खासे ऊंचे ही जा चुके हैं, कैमरे में नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा था जी आज अपने बच्चे भी ईजी हैं, तो थोड़े पतंग हम भी उड़ाएँ और बनाएँ। तो अभी छोटे अपने छत पर हैं, वो भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पतंग तैयार हो जाएं और वो भी फिर इनके साथ ही उड़ाएं और ऐसे ही उनको उतारने की कोशिश करें। ये देखें जी, ये रहा एक पतंग, और हमारे कार्टून भी अपने छतों पे खड़े हैं और बस वेट कर रहे हैं जी अगर हवा तेज़ हो जाए तो हम भी उड़ाएँ। और इस जानिब जी 2 पतंग उड़ रहे हैं, एक ये रहा, दूसरा इधर, और बच्चे इधर, तीसरा उड़ाने की कोशिश में हैं जी। ये रहा जी पतंग, जो पतंग उड़ रहे हैं जी उन सब से ये बड़ा पतंग है माशाल्लाह, और अभी फुल कोशिश में है जी कि ऊंचा हो जाए। हवा ठीक है लेकिन पतंग बहुत बड़ा है। हमारा पतंग जी टूट गया हुआ है, तो मसला हो गया है, ये भी दाऊद अभी कांटे तोड़ने के लिए गया हुआ है, छत से ही वो स्कीम करके लेके आ रहा है, और अभी हम यहाँ पर इसको कांटों की मदद से इसको जोड़ेंगे। वालेकुम सलाम जी, हो गया जी जोड़। असल में ये जो आप देख रहे हैं जी ये झाड़ू के हैं, और बहुत ही ज़्यादा लगाए हुए हैं, इसलिए कि ये बहुत बड़ा है, तो इसलिए जब तक हवा सही ना हो ये सही तरह से उड़ता नहीं है।
खप पड़ गया जी, खप पड़ गया, ये पतंग इधर उधर। अभी आदल भी इधर है, दाऊद भी इधर है, साकिब इधर है। अभी जी साकिब का पतंग बिल्कुल नज़दीक है जी, मतलब कि ऊंचा होने में कोई देर बाकी नहीं रहेगी। और बिल्कुल सरब नान पुठा जैसी है। साकिब ने जो नथ है, हम नथ बोलते हैं उसे, मतलब कि जहाँ से उसने धागे को गांठ लगाई हुई है वो उसने बहुत ऊपर करके लगाई हुई है। और जूँ ही ऐसे खींचता है पतंग बिल्कुल सर पे आ जाता है और ऐसे ऊपर घूमना शुरू कर देता है फिर अचानक से नीचे। और अगर दाऊद का पतंग उड़ गया तो ये सबसे बड़ा पतंग है जी इन पतंगों में से। सिर्फ इसको हवा अच्छे से चाहिए होगी फिर ये उड़ेगा, क्योंकि जो उसको स्टिकें लगाई गई हैं ये बहुत ही भारी हैं जी। है तो झाड़ू ही लेकिन चार चार पाँच पाँच लगाई गई हैं। जिस दरख्त की मैंने दो तीन व्लॉग में आपको बताया था कि हम काटेंगे, आधा काट दिया है आधा रह गया है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी हम ऊपर चढ़ने लगे हैं इसके। और उम्मीद है कि आज ये जो टहनी है ये आपको दिखाई दे रही है, ये हमने काटी थी और आधी रह गई थी। तो हमजा भाई माशाल्लाह देखें जी कैसे चढ़ रहे हैं ये ऊपर। अभी यहाँ से अंधेरा नजर लग रहा है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, मैं भी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से चढ़ूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बच्चे होते थे तो हम छोटे होते थे और यहाँ पर हमारे मुर्गे ऊपर चढ़ जाया करते थे, मुर्गियाँ उनको उतारने के लिए हम ऐसे ऊपर चढ़ जाते थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डर लगता है, उस टाइम डर नाम की चीज़ नहीं होती थी। डर क्या होता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पुरजम है जी, पहले आप काटेंगे या मैं काटूं? जैसे बेहतर लगता है। हमारे पास जो कुल्हाड़ी है जी वो इतनी तेज़ नहीं है, ठीक ही है लेकिन गुजारा करेगी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमजा भाई जी चढ़ चुके हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ उड़ना पड़ता है जो कि मुश्किल काम है। और मैं उससे पहले मैं यहाँ से ऊपर गया था बड़ी मुश्किल से। कुल्हाड़ी कहाँ रखी है? ये एक सेकंड मैं उठा कर, एक सेकंड ठीक है। माशाल्लाह जी उतार लिए। आज मैं पूरा दम था कि मैं काटूंगा नीचे से, रात को देखा रहा तो जब ऊपर आया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जी। ये देखें नीचे डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, बहुत ही पुराना दरख्त है। मैं आपको नहीं दिखा सकता जी कि ये कैसे दिखाई दे रहा है। तो लगा दिया जी कैमरा, छोटा कह रहा जी इधर भी लगाएं कैमरा। टाइम हो गया जी 4:30 मेरे ख्याल में, अजान से पहले अगर हम काट दें तो अच्छी बात है। ये जी घर बना हुआ है जी परिंदों का, यहाँ पे एक टाइम तोतू ने भी अंडे दिए थे, बच्चे भी निकाले थे। और मुझे अच्छी तरह याद है जी हमने यहाँ से निकाले थे बच्चे जी तोतू के। और उसके जी थोड़ी सी आवाज़ आई है इसकी, अच्छा आराम से एहतियात से हमने जी यहाँ से बच्चे निकाल दिए थे। और मुझे और याद नहीं है कि हमने पाले भी थे या नहीं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे परिंदों ने जी अंडे बच्चे नहीं दिए थे। छोटा नौजवान पूरा जम तरीके से भागता हुआ आ रहा है। ओ भाई गिरने लगा है, साइड पे जो, नहीं 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 साइड पे जो जी छोटा अपने से बड़ी कुल्हाड़ी लेके आ गया जी। ये देखें जी ये देखें, हाँ छोटी है वैसे बड़ी लग रही है आपसे। ये भी अपने कार्टून है जी छोटे, माशाल्लाह जी हैदर भी आ गया जी, नज़दीक पहुंच गया। कितना रह गया है? आवाज़ दे रहा है आगे, ये टहनी है थोड़ी सी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं। गया गया, एक और गल है जिला तेजी छंट चंगी लगती है, फुल एहतियात में पूरी है। काम मेरे ख्याल में नज़दीक पहुंच चुका है। गया जी गया जी, अल्लाह अकबर। हाय हाय ओए ये वैसे लगन लाजिम की है। यहाँ से माशाल्लाह सनसेट देखें आप कैसे हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे पता चलता है सदियों से काटा हुआ रहता है। 3-2-1 कट चुका है जी, नीचे करें जी नीचे करें। नाराज हो गया क्या? बच्चे जी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कब ये दरख्त कट जाए और हम ऐसे करना शुरू कर दें। और इतनी तेज भी नहीं है, ये देखें वाह अभी सही तरह से झंझोड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह जी दरख्त हमने काट दिया माशाल्लाह जी। देखें आप कैसे अब साफ़ हो चुका है जी, ये देखें। और इसमें से आपको अगर नज़र आ रहा हो जी चांद, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है जी। तो ये रहा जी चांद।
और ये रहा जी दरख्त, हमने काट दिया है। ये अभी छोटी मोटी हैं जी टहनियाँ, इनका कोई मसला नहीं है, ये हम जब भी टाइम मिला तो इनको भी काट देंगे। अभी ये काम जी मेरा रह गया है, इनको अंदर बांधना है, उसके बाद फिर घर जी नमाज अदा करेंगे। मगरब की अजानें हो चुकी हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अभी आपको बताऊँगा कि मैं क्यों ज़्यादा खुश हूँ। और बहुत ऐसे दिल जो है मेरा बाग बाग हो गया जी, बहुत टाइम बाद समझ लें कि इतना ज़्यादा खुश मैं शायद कभी हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता मैं इतना ज़्यादा खुश कभी हुआ हूँ। तो हमारे जी वीज़े लग चुके हैं, मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि हमारी जाने वाली डेट कौन सी है, तो क्या होगा ये वो, लेकिन उस टाइम कंफर्म नहीं था। जिन भाई साहब से हमने जी रब्ता किया था टिकट्स के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, तो उन्होंने पहले कहा था जी आपका वीज़ा हो चुका है जी, और उन्होंने कुछ टाइम भी बता दिया था, डेट वगैरह भी। लेकिन भाईजान ने दो दिन बाद फिर रब्ता किया, सही तरह से पूछा, तो वो कह रहे हैं जी कोई मसला हो गया था, आपके टिकट नहीं हुए, वीज़ा भी अभी तक नहीं हुआ। तो इसी मसले को लेकर जी हम परेशान थे, तो इसलिए वजह से मैं आपको बता नहीं सका, कोई तरकीब होगी हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा चल गया जी, हमारा वीज़ा हो गया, और उन्होंने जी हमें जो प्रूफ था वो भी सेंड कर दिया। अभी कोई मसले वाली बात नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है जी हमें, तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मैं भाईजान अम्मी जान और सारे घर वाले जी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो भी सुनता है जी हम जा रहे हैं जी उमरा करने के लिए, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आप हिसाब लगा लें जी, अगर लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं तो जो हम जा रहे हैं जी, जो जा रहे हैं वो खुश हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक ने हमें ये मौका दिया, हमें इस काबिल समझा, और हम जा रहे हैं जी अल्लाह ताला के एक पाक घर में। खैर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, अतीक और मन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।